940 हो गया है। 940 आ गया। 948 मतलब इसको ऊपर नहीं खाचे मारेंगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। 40 से 50 रूम है। हाँ। ओके, आप देख सकते हो ये सब बैठ सके और एकदम क्या तरीके से बनाया है भाई ने, एकदम बहुत जबरदस्त। हीटर रूम में बैठ आता है, मॉइस्चर निकलता है क्योंकि मॉइस्चर निकलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो रिजल्ट दे सकते हैं बैठ अच्छे से। तो ओके, टॉप इधर रेडी होता है। बड़े मैन्युफैक्चरर है साई स्पोर्ट्स जो के बैट में काफ़ी नामचीन है। इनका इंस्टाग्राम पे पेज भी, यूट्यूब पे भी, इनके बैट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और मैंने सोचा क्यों ना एक इनके वर्कशॉप पे विजिट किया जाए और पता किया जाए कि भाई के पास कौन से बैट है, क्या है। साई स्पोर्ट्स मेरे पीछे है, साई भाई अंदर हैं, अपन चलते हैं उनसे बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि उनके पास कौन कौन सा स्टॉक है, कैसे कैसे बैट मिल सकते हैं। चलते हैं उनसे बात करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और सो ये साई भाई, कैसे हो साई भाई? ठीक हो आप? मस्त मस्त हूँ। तो बताइए कुछ मेरे व्यूवर्स को कि अपने पास क्या क्या स्टॉक है, कौन सा स्टॉक आप रखते हो, आपके पास जो बैट हैं वो क्या क्वालिटी के, कौन से क्वालिटी के बैट हैं और कितने टाइम से आप यहाँ बिजनेस कर रहे हो, कब से, मतलब लाइक कब से आप बैट मैन्युफैक्चर कर रहे हो। और साई स्पोर्ट तो लोगों को नाम पता है ऑलरेडी, लेकिन एक मैं खुद से आया हूँ मिलने के लिए कि आप क्या क्वालिटी दे रहे हो लोगों को, मेरे व्यूवर्स को जाना है। तो बताइए आप कुछ अपने बैट्स के बारे में। मैं काम 7 साल से कर रहा हूँ। ओके। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ वैसे ही काम चालू किया था और मतलब ये प्रोफेशनली मैं 2020 जब कोरोना हुआ उसके बाद प्रोफेशनली इसमें घुस गया कि 30,000 भाड़ा था वो छोड़कर सिटी से डायरेक्ट घर में आकर पूरा अच्छा ही बैठ दूंगा और उस हिसाब से सबसे अच्छे क्वालिटी बनाना चल गए 2-3 साल में। सबसे बढ़िया क्वालिटी आप मेंटेन कर रहे हो। ओके, तो मतलब कि हमारा जो लकड़ी है वो कश्मीर लोहे प्लस वुड का है। ओके, फुल फ्रेश आता है, आप देख सकते हो ब्लेड्स वगैरह भी। ये डबल ब्लेड है, डबल ब्लेड ना? डबल ब्लेड है, इसमें सिंगल आ जाएगा, डबल आ जाएगा, आपको जैसा चाहिए वैसा रेडी करके भी देते हैं। ओके, मशीन वगैरह है तो आपको जैसा चाहिए वैसा वाला 100% मिलेगा। ओके, तो मतलब कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस है या क्या, जो सेम आपके हार्टेज बैंड होते उतने ही कही है? हाँ, मेरा लास्ट प्राइस 2,500 रुपए है। ओके, मतलब मैं ऑनलाइन में 2,700 में बेचता हूँ। अच्छा, मतलब जो लोग 4,000-4,500 में बेचते हैं, क्यों बेचते हैं मुझे मालूम नहीं। ओके, इन सब से मेरे पे बल्ले से बॉल नहीं गया है तो मैं रिटर्न ले सकता हूँ। ओके, अच्छी क्वालिटी तो अभी तक दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। ओके, तो ये भाई की लाइक गारंटी, अपने बैट की क्वालिटी भी बोलते ना कि भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस है कि अगर बॉल पार ना हो तो बैट वापस कर देना। और इनके कहने का मतलब ये बहुत सारे जैसे कि बैट्स यहाँ पे और बहुत सारे मुंबई में कि हर जगह बैट वाले हार्ड टेनिस बैट 4,000-4,500 में बेचते, क्यों बेचते भाई का ये सवाल भी है, लेकिन वही चीज़ भाई 2,500 में दे रहे हैं हार्ड टेनिस में, लोग 3,500 में भी बेचते, 4,000 में भी बेचते, बराबर। तो अपने बैट सारे हार्ड प्रेस दे, तो ओके, अगर किसी को डिज़ाइन चाहिए होता तो क्या रहता है अपने पास? आप जैसा चाहिए वैसा डिज़ाइन मिल जाएगा, लेकिन आप बोलोगे इस डिजाइन में मेरे को वेट कम चाहिए। हाँ। क्या होता है हर एक डिजाइन है, आप बोलोगे 6 फुट में वेट चाहिए तो ये बीच में खाचे के ज्यादा वेट रहता है। ओके, तो उस हिसाब से डिजाइन मिल जाएगी लेकिन वेट डिफरेंट आ जाएगा, वेट डिफरेंट आ जाएगा। ओके, तो वेट वेट क्योंकि बैट को वेल बैलेंस करना पड़ता है, तो बैलेंस के हिसाब से बैट को सब चीज़ देखनी पड़ती है। आप डिज़ाइन बोल दोगे, कुछ भी डिज़ाइन कर दोगे, बैट पे बैलेंस नहीं आएगा, वजन नहीं आएगा, सिर्फ खाचा माना नहीं होता है। तो भाई को ये पता है कि बैट पे क्वालिटी क्या देना है, बैट को प्रेस करना है, बैट को क्या बोलते हैं बैलेंस बनाना है, जिससे आप ग्राउंड में खेलो तो बॉल पार होनी चाहिए। हाँ, तो कुछ एक इस कैसे भी आप लाइक बैट का वेट कैसे कम करते हो ये बता सकते हो आप अपने कस्टमर्स को? पहला आपको बैट दिखाता हूँ। ओके, कश्मीर विलो का, इसका वेट चेक करते हैं हम। हाँ, ये सारी भाई की मशीन है, ये खुद यहाँ पे करते हैं, अब कोई वर्कर नहीं है, खुद से बैट पे ध्यान दिया जाता है, खुद से काम किया जाता है। जब आदमी खुद से काम करता है तो क्वालिटी अलग ही निकल के आती है। तो स्टार्टिंग वेट बैट का 1230 ग्राम था, ये पूरा हीट वगैरह करके मतलब वेट कम कर दिया है, उसके बाद का वेट आपको दिखाता हूँ मैं अभी 1135। ओके, मतलब 100 ग्राम इसका कम हो गए, कम हो गया। आप बोलेंगे काम करने के बाद बैट को हम धूप में रखेंगे, हाँ, फ्रिज के पीछे रखेंगे मॉइस्चर गिराने के लिए, कुछ भी मत करो क्योंकि बैट धूप में रखने से इधर से क्रैक हो जाता है, साइड से क्रैक हो जाता है। ओके, अपना बैट पहले दिन से ही रिजल्ट देगा क्योंकि मैं बैट रखता हूँ, हाँ, 4-5 महीने और काम करता हूँ इस पर, वेट कम करता हूँ, उसके बाद बेचता हूँ। ओके, ओके, रिजल्ट 100% आएगा। तो ऑलरेडी बैट का मॉइस्चर निकला हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है,
आपको सिर्फ खरीदना है और खेलना है। अभी आप जैसे देख सकते हो, आपको जो डिज़ाइन भाई का जो डिज़ाइन है, जो स्टॉक रेडी है, वो कहाँ पे मैं भी आपको दिखाऊंगा। पहले हम ये चेक करते हैं कि भाई स्कूपिंग कैसे करते हैं। भाई के सारे बेड, मोस्ट ऑफ सारे बेड रेडी रहते हैं ना आपके। कोई अगर कस्टमर आया तो आके सिर्फ खरीदना है ना उसको, बराबर उसको सिर्फ। सो भाई बेड लगा चुके, ओके ज्यादा हम लोग डीप नहीं मारते, ओके जिससे क्रैक ना हो बैट, क्रैक नहीं हो पाए बैट। मैं इसका वेट करके दिखाता हूँ आपको। ये सारे बैट्स हैं जो भाई अपने हिसाब से इनका मॉइस्चर निकल चुका है। ये सिंगल ब्लेड है भाई, ये सॉफ्ट टेनिस का बैट, ये सॉफ्ट टेनिस के बैट हैं सारे। आपको सॉफ्ट टेनिस, हार्ड टेनिस सारे मिल जाएंगे। लेदर में हम लोग काम करते हैं, लेदर पे नहीं काम, लेदर पे नहीं, बट खुद का मैन्युफैक्चरिंग हार्ड टेनिस का, सॉफ्ट टेनिस का। ओहो 969, क्या बात है, 970 हो गए, 970 देख लो आप। ज़्यादा इसको डीप नहीं किया है, लेकिन बैट का वेट बहुत अच्छा आ गया, बैलेंस है और रेडी टू प्ले। बैट्स पे आप ग्रेन्स भी देख सकते हो। और भाई एक चीज़ पूछनी थी, जो यहाँ इस पे बैट पे जो गार्ड दिख रही है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब 10-15 साल हो गए खेल रहे, हाँ। वो बोलते हैं कि मेरे को काट का बैट चाहिए, काट का बैट। वैसा एक जीव होता है मतलब, ओके पूरा तो अच्छा बैट रहता है जितना आप काट का बैट लोगे, लेकिन काट इधर से है और आर पार है, हाँ। तो कभी कभी प्रॉब्लम आता तो है, प्रॉब्लम पे ध्यान दे। ओके ओके इसके बाद आपको फोर भी मार के दिखाता हूँ। ओके स्कूपिंग कैप्सूल बोल रहे हो आप, कैप्सूल जैसे कि लाइक इस पे जो डिज़ाइन आते हैं आपने देखा होगा हर बैट पे छोटे छोटे। भाई के जो हार्ड टेनिस के बैट्स हैं ना, अभी हम वो भी दिखाएंगे, वो कहाँ मिलेंगे आपको वो मैं वो भी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। ये देखिए अभी इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको अपन कैप्सूल, कैप्सूल मतलब, बोलते हैं। हाँ कभी कभी क्या होता है नीचे ज्यादा वेट रहता है, ओके तो अपने कोई बैलेंस करने के लिए सेम वेट सेम बैलेंस होने के लिए हमको नीचे कैप्सूल मारना पड़ता है। कभी कभी ऊपर मारना पड़ता है, नहीं तो नहीं भी मारना पड़ता है इसके हिसाब से। अभी हम पहले देखेंगे बैलेंस कैसा होता है मतलब उस टाइप में। अभी आप देख सकते हैं बैट को यहाँ नीचे कैप्सूल मार रहा है, जिससे बैट का जो बैलेंस है वो प्रॉपर हो। अभी अब देखते हैं इसका बैट का वेट कितना है। ये डबल ब्लेड बैट है ना भाई? हाँ डबल ब्लेड बैट फॉर हार्ड टेनिस। इस देखिए ये अपर ब्लेड है और ज़बरदस्त है, मतलब 100% मैं देख के बता सकता हूँ कि जब इस पर बॉल लगेगी ये पार ज़रूर होगी। ये फुल ब्लेड बैट है, ओके इसका वेट 940 हो गया है। 940 आ गया, 940 वेट मतलब इसको ऊपर नहीं खाचे मारेंगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा कि 40 से 50 से लेकर ग्रिप आ जाएगा। हाँ 10 ग्राम टोकर, 10 ग्राम टिकर, 50-60 ग्राम बढ़ जाएगा तो भी 1 kg 99 से 1 kg तक हो जाएगा। ओके मेरे तो मतलब ये है कि 1 kg से 1 kg 50 के बीच में इस्तेमाल करना, हाँ टेंस बैठ रहना चाहिए। हाँ ओके क्योंकि क्या रहता है 40 ग्राम ग्रिप, 10 टोकर टिकर ऐसा बढ़ जाता है। ओके तो अगर किसी को बैट का वेट 900 चाहिए, किसी को 1100 चाहिए, किसी को 1200 चाहिए, तो क्या हम बैट कस्टमाइज भी करते हैं ना? कस्टमाइज बैट मिल जाएगा, लेकिन 900 ग्राम का बैट मैं देता नहीं क्योंकि okay. क्या रहता है अपन इतना पैसा लेते हैं आगे वाले से तो हमको मालूम है रिजल्ट देने ही नहीं वाले। ओके ओके 900 ग्राम के लिए 850 को बैट करना पड़ेगा। ओके हाँ तो वो नहीं आ पाएगा, बैट से बॉल लगा तो फटफट आ जाएगी तो बोलेंगे भाई पैसा दिया, भाई पैसा दिया मतलब, तो वो नाम खराब वाली चीज है। सो आपको जो बैट मिलेगा वो 1050 तक का
वेट का मिलेगा, 950 मिल जाएगा, 980 से लेकर कितना मिलेगा, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करनी है तो आपको वेट से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि वजन कम चाहिए, वो कर देंगे, दो मिनट लगता है स्कूपिंग करने में, बैट की क्वालिटी नहीं आएगी, बैट बाद में फट जाएगा, आप बोलेंगे नाम खराब है, तो क्वालिटी पे काम करते हैं भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल ब्लेड भी है अपने पास सारे यहाँ पे, और अपने हार्टनेस बैट भी भाई। मुझे अगर अभी मेरे कस्टमर्स को आपके रेडी बैट आके लेना है, रेडी टू प्ले, ये तो रखे हुए जो आप बना के दोगे, किसी को आना है और अभी आके खरीद के लेके जाना है, वो बैट कहाँ मिलेंगे? अब अभी शॉप पर जाने वाले थे। तो भाई का ये वर्कशॉप था, वो वहाँ पे शॉप है जहाँ पे ऑल सारे बैट रेडी है, तो चलते हैं भाई उधर, जरा आपका शॉप भी देख लेते हैं कि अपने कस्टमर आपकी शॉप पे विजिट जरूर करेंगे। चलो ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं भाई की शॉप पे, तो घर के पास में ही शॉप है, और ये भाई का वर्कशॉप है साई स्पोर्ट्स। आपको नंबर मैं डाल दूंगा, कांटेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन पे आप आ जाएंगे, बैट मिल जाएगा, और ऑनलाइन सर्विस भी अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं कि आप अंदर आओ विजिट कर, अगर आपको वर्कशॉप विजिट करना, आप डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल में भी बैट मिलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर्स को? हाँ, होलसेल में भी रेट मिलेगा, होलसेल रेट आपको डिस्ट्रीब्यूटर कॉल करेंगे, पर्सनली विजिट करें, जिनको चाहिए, जिनकी शॉप है उनको मिल जाएगा, होलसेल रेट कभी बताया नहीं जाता है। जो सेलिंग प्राइस है हार्ड टेनिस बैट का 2700 तक लास्ट सेलिंग प्राइस है, अगर क्वालिटी किसी में बहुत अच्छी भी निकली तो ज़्यादा भी हो सकता है, वो बैट के ऊपर डिपेंड करता है। 2700 भाई का ये सेलिंग प्राइस अच्छा है। और मिनिमम क्या है सिंगल बैट सॉफ्ट टेनिस का प्राइस क्या है? सिंगल ब्लेड सॉफ्ट टेनिस का 1000 से चालू है। 1000 से चालू, ओके। तो जैसा बैट रहेगा आपको 1000 से स्टार्टिंग है, 1100, 1200, 1500 जो भी रहेगा वो साई भाई आपको बता देंगे, आपको मिल जाएंगे बैट। ये भाई का घर भी है और एक शॉप भी बनाई है यहाँ पे, आप देख सकते हो साई स्पोर्ट्स। हमारे ये है काउंटर, ये टी शर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, और अपने क्रिकेट बैट सारे मिल जाएंगे आपको, जो भाई के एडिशन है, टी शर्ट, कैप, सब कुछ है साई स्पोर्ट का। और ये है उमेश भाई, जो साई भाई के भाई हैं। ये पूरा रेडी बैट है, ओके। अभी कुछ माल आपको दिखाता हूँ मैं, इधर है रेडी किया हुआ, ओके। तो ये सारा माल रेडी आपको? हाँ, रेडी है। हाँ, कुछ ऑनलाइन के है, एक आंध्र को जा रहे हैं, एक कोल्हापुर में, ओके। ये सारे जो है बैट कस्टमर्स को जा रहे हैं, आप देख सकते हो उसमें टोगाट भी लगा है, पूरा रेडी बैट आता है, ये सारे रेडी बैट है, स्टिकर वगैरह लगा के, ओके ओके ओके। आपके हिसाब से जैसा ग्रिप चाहिए वैसा चढ़ा के देते हैं, ओके। और एक बात, कम से कम ऑल ओवर इंडिया में जाता है बैट, हाँ, 100 से प्लस दुकानों में, क्या बात है। तो वो जब क्वालिटी होती है तो लोग तो आते ही है। अगर आपको भी लेना है तो हम भाई का नंबर डाल देंगे, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई ये क्या है भाई? हीटर रूम में। अच्छा, ये हीटर रूम है। हाँ। ओके, आप देख सकते हो ये सब बैठ सके, और एकदम क्या तरीके से बनाया है भाई ने, एकदम बहुत जबरदस्त। हीटर रूम में बैट आता है, मॉइस्चर निकलता है, क्योंकि मॉइस्चर निकलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो रिजल्ट दे सकते हैं बैट अच्छे से। तो ये टॉप इधर रेडी होता है, रेडी आपका रहता है, सिर्फ ग्रिप डालने का रहता है, ग्रिप नहीं डालते, उस हिसाब के जैसा चाहिए वैसा ग्रिप डाल के पूरा रेडी टू ब्लेड। ओके, आपको ओके, ओके। तो आप लोग देख सकते हो ये भाई का हीटर रूम है यहाँ पे। ये कितने टाइम से लाइक आप यहाँ पे रखते हो इन बैटों, कितना टाइम लगता है सुखाने में? सुखाने में मेरा और एक भट्टी है, उसमें एक हफ्ता रखते हैं, बाद में धूप की आपको मतलब ऊपर जाएंगे तो हम दिखाएंगे कैसा ज्यादा। तो भाई का एक पूरा बड़ा वर्कशॉप है, और ये पूरा बड़ा बंगलो है, ये घर नहीं बोल सकते आप, बंगलो है पूरा, जिसके अंदर हीटर रूम भी है, ऊपर वर्कशॉप भी है, दुकान भी है अलग। तो देख सकते हो आप लोग सारे जो बैट है, एक निकालोगे भाई? निकालो। ये दो, ये सारे बैट है जो प्रॉपर स्कूपिंग किए हुए हैं, स्टिकर लगे हुए सब रेडी है, और बस इन पे ग्रिप चढ़ाना है इनका, लाइक थोड़ा सा मॉइस्चर अगर किसी का रह गया होता तो उसको वापस यहाँ डालते हैं। ओके, तो परफेक्ट है भाई, चलते हैं आपके एक ऊपर वाले रूम में भी वो देख लेते हैं लास्ट। रेडी के वो बैट है, मेन स्टॉप ऊपर रहता है। ओके, क्या बात है, चलते हैं। बंगलों में हम लोग वापस थर्ड फ्लोर पे आ चुके हैं, जहाँ पे मेन काम होता है भाई का। ओ हो हो, जबरदस्त, क्या बात है भाई, ये है असली वर्कशॉप। अभी तक आप जो देख रहे थे वो सिर्फ एक हल्का फुल्का था, ये है रियल वर्कशॉप। मेन में आ गए हो इसलिए स्टॉक में, तो ये पूरा कम से कम खत्म हो चुका होता है, मतलब इधर से उधर पूरा बैट ही रहता है। अच्छा, पूरा गोनी रहता है सुखाने का। ओके ओके, इधर ऊपर एक पत्रे का है, तो इससे धूप के कारण भी वेट कम होता है, वेट कम होता है। ओके, क्या बात है। तो आप देख सकते हो बहुत जबरदस्त है, मतलब अब आपको असली में दिखेगा कि भाई का वर्कशॉप है कैसा। जो हमने देखा वो छोटी मोटी चीज़ें थी यहाँ पे, मतलब अभी सीजन है तो बैट्स है नहीं भाई के पास अवेलेबल, नहीं तो बोलते हैं पूरा ये भरा हुआ रहता है। तो इस सारे हार्ड टेनिस सॉफ्ट टेनिस सारे बैट्स हैं,
टॉप पे है भाई का नाम है मुंबई महाराष्ट्र में और शायद से इंडिया में, लोग दूर दूर तक बैठ के ऑर्डर जाते हैं और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपको भी भाई का साइज स्पोर्ट्स का बैट चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो और ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और शायद से अगर आटो मैनिले चैनल का नाम लो तो 50-60 रुपये और कम हो जाएंगे हो सकते क्या भाई 100% होएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी ज़रूरत हो तो भाई को आप कमेंट सेक्शन में नीचे वीडियो में पूछ सकते हैं, आपको क्वेरी सॉल्व होगी। थैंक यू।